जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम टू कल्याणी आईएएस एकेडमी। इन दिस लेक्चर वी विल स्टडी सैटेलाइट सिस्टम्स ऑफ इंडिया। नाउ स्टार्ट लेक्चर एंड अंडरस्टैंड व्हाट इज सैटेलाइट। सी, एन ऑब्जेक्ट ऑर्बिटिंग द सन, अर्थ और एनी अदर सेलेस्टियल बॉडी इज नोन एज सैटेलाइट। फॉर एन एग्जाम्पल, मून और IRS सैटेलाइट। और इन अदर वर्ड्स वी कैन सी दैट एन ऑब्जेक्ट दैट रिवॉल्व्स अराउंड द सन, Earth or any other celestial body is known as satellite. So if this question is asked as a 3-marker question, then you can write this definition as well as example, right? So an object orbiting around the sun, earth or any other celestial body is known as a satellite. For an example, Cartosat first, Resourcesat first, or moon. There are two types of satellite. First is natural satellite, then artificial satellite. So what is natural satellite? Natural body, right? Natural object or natural body orbiting around the sun, earth or any other celestial body is known as natural satellite. For an example, moon is the natural satellite of earth, then Phobos and Deimos are the natural satellites of the Mars. Second ho jayega yahan par artificial satellite, right? So man-made object. Man-made object orbiting around the sun, earth or any other celestial body is known as artificial satellite, right? In the previous lecture we have studied the components of the artificial satellite, right? Jisme sabse pehla kya ho jayega, payload ho jayega, right? So payload is the main working part of the satellite. It is designed according to the utility of the satellite. For an example, agar woh hai remote sensing satellite hoga to usme high definition ke camera honge, right? Transponder hoga, communication satellite hoga to usme CU ya KU band ke jo hai transponders ko kya kiya jayega, fit kiya jayega, right? Then kya ho jayega, yahan par housing ho jayega, right? तो हाउसिंग प्रोवाइड्स इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर ऑल द कंपोनेंट्स ऑफ अ सैटेलाइट एंड इट प्रोवाइड्स इलेक्ट्रिक पावर टू द कंपोनेंट्स ऑफ अ सैटेलाइट. देन वी हैव स्टडीड ट्रांसपोंडर आर्टिफिशियल सैटेलाइट का ऐसा कंपोनेंट होता है विच establishes कम्युनिकेशन बिटवीन द सैटेलाइट एंड सेंटर ऑन द अर्थ. देन क्या हो जाएगा यहाँ पर, सोलर पैनल्स हो जाएंगे, राइट? तो सोलर पैनल्स ऐसे कंपोनेंट्स होते हैं विच कन्वर्ट सोलर एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड प्रोवाइड इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू द अदर इक्विपमेंट ऑफ द आर्टिफिशियल सैटेलाइट. देन क्या हो जाएगा यहाँ पर, फ्यूल मोटर हो जाएगा, राइट? तो जब भी सैटेलाइट अपने पाथ से डेविएट होता है या अपनी ऑर्बिट से डेविएट होता है तो उसको उसी ऑर्बिट में लाने के लिए फ्यूल मोटर का क्या किया जाता है, यूज किया जाता है, राइट? नाउ वी विल स्टडी द टाइप्स ऑफ सैटेलाइट सिस्टम्स, राइट? नॉर्मली सैटेलाइट को डिजाइन और डेवलप इसलिए किया जाता है ताकि उस सैटेलाइट का यूज जो है वो मैनकाइंड के वेलफेयर के लिए किया जा सके, राइट? और ऑन द बेसिस ऑफ यूटिलिटी ऑफ अ सैटेलाइट, जनरली सैटेलाइट को टू कैटेगरी में क्या किया जाता है, क्लासीफाई किया जाता है. और उन्हीं टू कैटेगरी के आधार पर इंडिया में क्या है, सैटेलाइट सिस्टम्स हैं, राइट? सो ये जो क्वेश्चन है ये 5-marker में पूछा जा सकता है कि व्हाट इज इनसैट सैटेलाइट सिस्टम ऑफ इंडिया, राइट? और व्हाट इज IRS सैटेलाइट सिस्टम ऑफ इंडिया, या 11-marker में पूछा जा सकता है व्हाट इज सैटेलाइट एंड व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ सैटेलाइट सिस्टम्स इन इंडिया. सो लेट्स स्टडी द टाइप्स ऑफ सैटेलाइट सिस्टम्स इन इंडिया. तो जनरली द सैटेलाइट्स आर कैटेगराइज्ड इन टू टाइप्स, राइट? और उन टू टाइप्स के आधार पर ही जो है इंडिया में सैटेलाइट सिस्टम है. सो देयर आर मेनली टू टाइप्स ऑफ सैटेलाइट सिस्टम्स ऑपरेटिंग इन इंडिया. द फर्स्ट इज इंडियन सैटेलाइट सिस्टम, राइट? जिसको क्या कहा जाता है, इनसैट भी कहा जाता है, राइट? इनसैट, राइट? इन फॉर क्या हो जाएगा, इंडियन, और SAT का मतलब क्या हो जाएगा, सैटेलाइट, राइट? तो जो इनसैट सीरीज के जो सैटेलाइट है, इनसैट, इनको इनसैट सीरीज भी कहा जाता है या इनसैट सैटेलाइट सिस्टम ऑफ
इंडिया भी कहा जाता है। तो पहला हो जाएगा यहाँ पर इंडियन सैटेलाइट सिस्टम और इनसैट सीरीज के सैटेलाइट। ये इंडिया के ऐसे सैटेलाइट हैं विच आर यूज्ड फॉर कम्युनिकेशन एज वेल एज क्या हो जाएगा यहाँ पर ब्रॉडकास्टिंग हो जाएगा, राइट, ब्रॉडकास्टिंग। तो इंडिया के ऐसे सैटेलाइट जिनका यूज़ कम्युनिकेशन के लिए, ब्रॉडकास्टिंग के लिए या अदर पर्पसेस के लिए किया जाता है उनको ही, उनको इंडियन सैटेलाइट सिस्टम में इंक्लूड किया जाता है, या ऐसे सैटेलाइट जो कम्युनिकेशन या ब्रॉडकास्टिंग के लिए यूज़ किए जाते हैं उनको इनसैट सीरीज़ के सैटेलाइट कहा जाता है। तो थ्री मार्कर के लिए क्या हो जाएगी, सिंपल डेफिनेशन हो जाएंगी, राइट राइट, दोज सैटेलाइट्स विच आर यूज फॉर टेली कम्युनिकेशन एज वेल एज ब्रॉडकास्टिंग आर इंक्लूडेड इन इनसैट सीरीज ऑफ सैटेलाइट एंड दिस सिस्टम ऑफ सैटेलाइट इज नोन एज इंडियन सैटेलाइट सिस्टम और इनसैट सिस्टम एंड इट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सिस्टम, सैटेलाइट सिस्टम ऑफ इंडिया, राइट। सो फॉर मोर देन 25 सैटेलाइट्स ऑफ 4 जनरेशंस, ध्यान रखना इनसैट सीरीज के अब तक कितने 25 सैटेलाइट्स को लॉन्च किया गया है। तो सो फॉर मोर देन 25 सैटेलाइट्स ऑफ 4 जनरेशंस हैव बीन लॉन्च्ड इन इंडिया अंडर द इनसैट सिस्टम, राइट, आउट ऑफ विच 16 ऑल्सो हैव बीन सक्सेसफुल। अब इनके एप्लीकेशंस क्या हैं ये भी एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। सो व्हाट इज द एप्लीकेशन ऑफ इनसैट सिस्टम, राइट, सो लेट्स स्टडी द एप्लीकेशंस ऑफ इनसैट सीरीज सैटेलाइट्स और इनसैट सिस्टम। द फर्स्ट इज कि ये जो सैटेलाइट है इनका यूज किसके लिए किया जाता है, ब्रॉडकास्टिंग के लिए किया जाता है। अब ये कैसे पॉसिबल होता है, राइट, तो नॉर्मली मैं अगर आपको बताना चाहूं तो जैसे ये हमारा क्या हो जाएगा, इंडिया हो जाएगा, राइट। अब जैसे मैंने कहा कि कोई यहां पर जो है मैच चल रहा है, राइट, अब मैच की जो ब्रॉडकास्टिंग होगी तो यहां पर इसके जो सिग्नल्स होंगे वो नियरेस्ट टावर्स पर जाएंगे और नियरेस्ट टावर से ये जो सिग्नल्स हैं फिर ये अर्थ के बाहर कहां पर जो है सैटेलाइट पर ट्रांसफर किए जाते हैं और सैटेलाइट फिर ये जो पूरे के पूरे जो सिग्नल्स हैं उनको ऑल ओवर द इंडिया में क्या कर देगा, इनको ब्रॉडकास्ट कर देगा। तो इस तरीके से जो इनसैट सीरीज के सैटेलाइट हैं उनसे चाहे रेडियो ब्रॉडकास्टिंग हो, राइट, टेलीविजन ब्रॉडकास्टिंग हो या किसी भी प्रोग्राम की लाइव ब्रॉडकास्टिंग हो वो इन सैटेलाइट्स के द्वारा ही किया जाता है। तो इनसैट सीरीज सैटेलाइट्स आर यूज्ड इन ब्रॉडकास्टिंग एज वेल एज क्या हो जाएगा, टेली कम्युनिकेशन हो जाएगा। तो नाउडेज हम मोबाइल फोन पर क्या करते हैं, बात करते हैं, तो फॉर टेली कम्युनिकेशन इनसैट सीरीज के सैटेलाइट्स यूज किए जाते हैं। साथ ही साथ इनका यूज रूरल रिसर्च सेंटर में भी किया जाता है, राइट, किसी भी पर्टिकुलर एरिया में अगर वहां पर रिसर्च करनी हो तो उस रिसर्च का जो डाटा है, राइट, उसको एक्सचेंज करने के लिए भी जो है इन्हीं सैटेलाइट का यूज किया जाता है। तो दीज सैटेलाइट्स आर यूज्ड फॉर रूरल रिसर्च सेंटर। ऑल्सो डेवलपमेंट ऑफ क्या हो जाएगा, यूडीसैट हो जाएगा। तो किसी पर्टिकुलर इनसैट सीरीज के सैटेलाइट को हम एजुकेशन के लिए या अदर किसी ऑब्जेक्ट के लिए भी लॉन्च कर सकते हैं। जैसे अगर हम देखें तो इंडिया ने इनसैट 3B को लॉन्च किया है जिससे कर्नाटका और महाराष्ट्र में एजुकेशनल जो एजुकेशनल प्रोग्राम्स हैं वो इससे ब्रॉडकास्ट किए जाते हैं या उनको कंडक्ट किया जाता है। तो इनसैट सैटेलाइट्स आर आल्सो यूज्ड फॉर द कंडक्टेंस, राइट, फॉर द कंडक्शन ऑफ एजुकेशनल प्रोग्राम्स, राइट, एंड फॉर दैट एजुसेट, राइट, और एजुसेट जो है, एजुसेट को लॉन्च किया गया है। एजुसेट का जो नेम है वो क्या है, इनसैट 3B, जिससे कर्नाटक और महाराष्ट्र में एजुकेशनल के लिए इसको यूज किया जाता है, एजुकेशनल पर्पस के लिए। देन मीटियोरोलॉजी में भी इसका यूज किया जाता है जिसके लिए मेटसेट या कल्पना सेकंड को लॉन्च किया गया है, राइट। दीज सैटेलाइट्स आर ऑल्सो यूज फॉर डाटा कलेक्शन एंड क्या हो जाएगा यहाँ पर, ब्रॉडकास्टिंग हो जाएगा। नेक्स्ट इज इंडियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट सिस्टम। अब यहाँ पर रिमोट सेंसिंग का मतलब क्या होता है, रिमोट का मतलब होता है फार अवे, राइट, फार अवे, और सेंसिंग का मतलब क्या हो जाएगा कि वहाँ पर, राइट, वहाँ पे जो भी फार अवे जो भी प्लेस है, राइट, वहाँ की जो भी नेचुरल फिनोमिना है या वहाँ पर जो भी ऑब्जेक्ट्स हैं, राइट, उनसे रिलेटेड
जो डाटा है उसको कलेक्ट करना और फिर उसको क्या करना है, एनालाइज करना। तो इसके लिए रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट का यूज़ किया जाता है। कैसे यूज़ किया जाता है, जैसे ये हो जाएगा हमारा इंडिया, इंडिया पे हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हमारा कंट्री क्या हो जाएगा, इंडिया हो जाएगा। अब यहाँ से जो है इस तरीके से जो सैटेलाइट है, और मैंने प्रीवियस क्लास में बताया था कि नॉर्मली जो कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स होते हैं, कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स को पोलर ऑर्बिट में क्या किया जाता है, प्लेस नहीं किया जाता है, राइट। और जो रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट होते हैं उनको किस में, पोलर ऑर्बिट में ही क्या किया जाता है, प्लेस किया जाता है, क्योंकि इससे किसी भी पर्टिकुलर प्लेस की जो रिमोट सेंसिंग है वो इजी तरीके से जो है हो सकती है। क्लियर, राइट। जैसे ये हमारा क्या हो जाएगा, इंडिया हो जाएगा यहाँ पर। जैसे लेट्स से ये इस तरीके से ये पूरा पूरा क्या हो जाएगा, इंडिया हो जाएगा। अब ये इस तरीके से यहाँ पर सैटेलाइट है, तो जो सैटेलाइट जब इंडिया के ऊपर होगा यहाँ, तो ये इंडिया में जितने भी फॉरेस्ट एरिया हैं, राइट, इंडिया में जो भी फॉरेस्ट कवर है, राइट, सॉइल है, राइट, जो भी इंडिया की टोपोग्राफी है, इंडिया में जो भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं, राइट, उनको क्या करेगा, स्कैनर्स के माध्यम से। अब नॉर्मली जो रिमोट सेंसिंग है, रिमोट सेंसिंग की जो प्रोसेस है उसको हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे, बट शॉर्ट में मैं आपको बताना चाहूँ तो जैसे सन है, अब जो सन की रेज है वो कहाँ पर जा रही है, इंडिया में जा रही है, और इंडिया से जैसे ही ये जो सन रेज होंगी, जिसको हम क्या कहते हैं, पैसिव रिमोट सेंसिंग कहते हैं, तो जो सन रेज हैं जब वो किसी भी ऑब्जेक्ट से क्या होंगी, किसी भी ऑब्जेक्ट पर क्या होंगी, इंसिडेंट होंगी, तो वो रिफ्लेक्ट होंगी, और रिफ्लेक्ट होकर ये सिग्नल कहाँ पर पहुँचता है, सैटेलाइट पर पहुँचता है। इस तरीके से इंडिया में जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं, जो टोपोग्राफी है, रिवर्स हैं, उनसे रिलेटेड जो सिग्नल्स हैं या जो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, उसको जो सैटेलाइट है, सैटेलाइट के जो सेंसर्स होते हैं वो उस डाटा को क्या कर लेते हैं, एक्वायर कर लेते हैं। फिर ये डाटा इंडिया की किसी एक पर्टिकुलर कोई भी क्या हो जाएगा, जैसे कोई भी इंस्टीट्यूशन हो जाएगा, उस इंस्टीट्यूशन को ये डाटा क्या किया जाता है, सेंड किया जाता है। वहाँ पर इस डाटा को क्या किया जाता है, एनालाइज किया जाता है, और एनालिसिस के आधार पर हम बता सकते हैं कि इंडिया में इतना फॉरेस्ट कवर है, राइट, इतनी टाइप की जो है सॉइल्स पाई जाती हैं, राइट, इंडिया के इस पर्टिकुलर जो एरिया है इसकी इस तरीके की क्या है टोपोग्राफी है, या यहाँ पर इतना क्या है नेचुरल रिसोर्सेज है। तो इसके लिए जो सैटेलाइट यूज़ किए जाते हैं उसको ही हम क्या कहते हैं, रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट। तो नॉर्मली हम कह सकते हैं कि द सैटेलाइट विच इज़ यूज्ड फॉर रिमोट सेंसिंग आर नोन एज रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट। और रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट ऐसे सैटेलाइट होते हैं जिनमें सेंसर्स क्या होते हैं, लगे हुए होते हैं, जो कि अर्थ के नेचुरल रिसोर्सेज हैं या कोई भी ऑब्जेक्ट है, राइट, उससे या उसके जो भी डाटा है उसको क्या करते हैं, ये सेंसर्स एक्सेप्ट करते हैं, और फिर उस डाटा को अर्थ के किसी सेंटर पर ट्रांसफ़र किया जाता है जहां पर उनका एनालिसिस किया जाता है, और उसके आधार पर इंडिया में जो भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं, टोपोग्राफी है, राइट, उसके जो डाटा है हम वो यूज़ में लेते हैं। सो दिस प्रोसेस इज नोन एज रिमोट सेंसिंग, राइट। तो द सैटेलाइट्स विच आर यूज्ड फॉर रिमोट सेंसिंग उनको ही रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स कहा जाता है, राइट। और इंडिया में रिमोट सेंसिंग के लिए कई सैटेलाइट जो है लॉन्च किए गए हैं, जैसे क्या हो जाएगा, ओसियन सेट हो जाएगा, जिससे ओशियनोग्राफी में इसमें क्या होती है, हेल्प होती है। तो ओसियन सेट्स के द्वारा ओसियन को ऑब्जर्व किया जाता है। कार्टोसेट हो जाएगा, रिसोर्स सेट हो जाएगा, जिससे इंडिया के जो रिसोर्सेज हैं उनको जो है मैनेज किया जाता है, उनकी रिमोट सेंसिंग की जाती है। मेगाट्रॉपिक्स हो जाएगा, राडार इमेजिंग सैटेलाइट हो जाएगा। तो इतने सैटेलाइट जो है वो IRS सिस्टम के तहत जो है लॉन्च किए गए हैं। जो अपकमिंग हमारा लेक्चर होगा उसमें हम रिमोट सेंसिंग को डिटेल में समझेंगे, और हिस्ट्री में जितने भी जैसे ओसियन सेट है, कार्टो सेट है, रिसोर्स सेट है, ये कब लॉन्च किया गया, ये हमको बहुत पढ़ना है, क्योंकि हो सकता है 3 मार्कर में क्वेश्चन पूछा जाए कि वेन वॉज रिसोर्स सेट फर्स्ट लॉन्च फ्रॉम द इंडिया, तो हम इन सबको पढ़ेंगे। फिर भी अगर हम देखें तो जो इंडियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट सिस्टम है, राइट, ये इंडिया में 1988 से क्या हुआ है, लॉन्च हुआ है, राइट। तो IRS फर्स्ट ए वॉज लॉन्च्ड, राइट, तो इंडियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट फर्स्ट ए, तो IRS
फर्स्ट ए वाज लॉन्च्ड फ्रॉम बैकनूर कजाकिस्तान, या जिसको हम फॉर्मर क्या कहते हैं यूएसएसआर करते हैं। तो IRS फर्स्ट ए वाज लॉन्च्ड फ्रॉम बैकनूर कजाकिस्तान इन 1998 एंड IRS फर्स्ट ए वाज द फर्स्ट इंडियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट ऑफ इंडिया। आफ्टर दैट IRS 1C, IRS 1E, IRS P3, कार्टोसैट, रिसोर्स सेट, राइट, हैव बीन सक्सेसफुली लॉन्च्ड। नाउ वी विल स्टडी इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस, राइट। और इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस में हम सबसे पहले पढ़ेंगे निसार, और निसार ये जो है ये 3 मार्कर में पूछा जा सकता है, व्हाट इज निसार। तो देखिए निसार में यहाँ पर क्या हो जाएगा, नासा, फिर इसका अगर हम फुल फॉर्म देखें तो N फॉर नासा हो जाएगा, I फॉर क्या हो जाएगा इसरो हो जाएगा, S फॉर क्या हो जाएगा सिंथेटिक, A फॉर क्या हो जाएगा अपार्चर, फिर क्या हो जाएगा R फॉर क्या हो जाएगा राडार हो जाएगा, और उसके बाद में क्या हो जाएगा मिशन हो जाएगा। तो निसार नासा और इसरो का एक क्या है, ज्वाइंट प्रोग्राम है, या ज्वाइंट क्या है मिशन है, राइट। और मेनली इसको इसलिए डेवलप किया जा रहा है, राइट, जो ये जो जॉइंट मिशन है इसमें एक अपार्चर राडार को क्या किया जाएगा, लॉन्च किया जाएगा, जिससे इंडिया में जो भी डिसास्टर मैनेजमेंट, इंडिया में जो भी डिसास्टर है उनको मैनेज करने के लिए इसका यूज़ किया जाएगा। विच मीन्स इंडिया में कहाँ पर अर्थक्वेक है, राइट, डिसास्टर जो मैनेजमेंट है उसमें इसका जो है यूज़ किया जाएगा। तो 3 मार्कर में जो है हम इतनी इंफॉर्मेशन लिख सकते हैं, वॉट इज निसार, तो हम कह सकते हैं, राइट, व्हाट इज निसार। सो निसार इज द जॉइंट प्रोजेक्ट ऑफ नासा एंड इसरो इन विच आर डुअल फ्रिक्वेंसी, राइट, डुअल फ्रिक्वेंसी राडार इमेजिंग सैटेलाइट, राइट, वाज लॉन्च्ड। सो निसार इज द जॉइंट प्रोजेक्ट ऑफ नासा एंड इसरो इन विच अ डुअल फ्रिक्वेंसी राडार इमेजिंग सैटेलाइट वुड बी लॉन्च्ड एंड विच विल बी, राइट, विच विल एक्ट एज अ रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट टू ऑब्जर्व द नेचुरल प्रोसेसेस ऑफ द अर्थ। तो निसार इज द जॉइंट प्रोजेक्ट ऑफ नासा एंड इसरो इन विच जो है डुअल फ्रिक्वेंसी राडार इमेजिंग सैटेलाइट को लॉन्च किया जाएगा, राइट, और यह जो सैटेलाइट है, राइट, विल एक्ट एज अ रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट, राइट, जिससे जो नेचुरल प्रोसेस है उसको क्या किया जाएगा, ऑब्जर्व किया जाएगा। एंड दिस मिशन विल हेल्प इन अर्थक्वेक इंफॉर्मेशन, डिसास्टर मैनेजमेंट, असेसमेंट ऑफ मैंग्रोव फॉरेस्ट इन इंडिया एंड नेचुरल हजार्ड्स ऑफ इंडिया। क्लियर। सेकेंड हो जाएगा यहां पर भुवन, राइट। तो भुवन क्या है, एक एप्लीकेशन है। तो भुवन इज अ एप्लीकेशन जिसको इसरो के द्वारा डेवलप किया गया है, और इसकी स्पेशलिटी क्या है कि भुवन हमको 3D, राइट, 3D मैप क्या करता है, अवेलेबल कराता है। नॉर्मली हम इंडिया में GPS से किसी भी पर्टिकुलर प्लेस को लोकेट कर सकते हैं, बट जो भुवन है ये किसी भी पर्टिकुलर प्लेस की 3D जो इमेज है वो हमको अवेलेबल कराता है, और इससे हम इंडिया का जो टेरेन्स कैसे हैं, राइट, इंडिया में कहाँ पर रिवर्स हैं, राइट, उसका 3D इमेज को जो है हम देख सकते हैं। इसके लिए कार्टोसेट फर्स्ट, राइट, रिसोर्सेज फर्स्ट और कार्टोसेट थर्ड का क्या किया जाता है, यूज़ किया जाता है, राइट। तो भुवन इज अ एप्लीकेशन डेवलप्ड बाय इसरो विच वॉज लॉन्च्ड ऑन 12th August 2009 टू व्यू द टेरेन्स ऑफ इंडिया विद द हेल्प ऑफ हाई रिजोल्यूशन 3D इमेज, राइट, वाय सॉफ्टवेयर लाइक क्या हो जाएगा, गूगल हो जाएगा। तो थ्रू भुवन वी कैन व्यू द टेरेन्स ऑफ इंडिया विद हाई रिजोल्यूशन थ्री डायमेंशनल इमेजेस बाय आ सॉफ्टवेयर, जिसको हम क्या कहते हैं, भुवन कहते हैं। एंड फॉर द ऑपरेशन ऑफ भुवन द हेल्प ऑफ रिसोर्सेट फर्स्ट, कार्टोसेट फर्स्ट और कार्टोसेट थर्ड इज टेकन, देन क्या हो जाएगा यहाँ पर, साकार ऐप हो जाएगा। साकार एक ऐसा एप्लीकेशन है जिसके माध्यम से स्पेस टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जितनी भी इक्विपमेंट्स हैं, जैसे लॉन्च व्हीकल है, राइट, सैटेलाइट है, उसका 3D जो प्रोजेक्ट है, राइट, 3D जो वीडियोस हैं या एनिमेशंस के द्वारा उनकी वर्किंग को जो है समझा जा सकता है, राइट। तो ये भी 3 मार्कर में पूछा जा सकता है, इसके पूछे जाने की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है, तो Mark 2 star ही है, राइट। व्हाट इज साकार ऐप, तो साकार ऐप वॉज लॉन्च्ड ऑन 5th June 2015 एंड थ्रू दिस साकार एप्लीकेशन ऑब्जेक्ट्स ऑफ द फिजिकल वर्ल्ड सच एज लॉन्च व्हीकल, सैटेलाइट एंड अदर प्रोजेक्ट्स रिलेटेड टू स्पेस आर प्रेजेंटेड थ्रू 3D मॉडल्स
animations and videos. Clear? Now we will study major satellites of India. Right? अब इंडिया में हमको रिमोट सेंसिंग की हिस्ट्री स्टडी करनी है, साथ ही साथ लॉन्च व्हीकल्स को भी क्या करना है, स्टडी करना है. तो इस तरीके से 3 मार्कर में पॉसिबिलिटी है कि किसी एक स्पेसिफिक सैटेलाइट से क्वेश्चन पूछा जा सकता है. राइट, जैसे ये भी पूछ सकते हैं कि जो मंगलयान है, मंगलयान या फिर हम कह सकते हैं कि MOM, किस लॉन्च व्हीकल के द्वारा लॉन्च किया गया है, कहाँ से लॉन्च किया गया है, राइट, एंड इसका यूज क्या है, या आर्यभट्टा के बारे में जो है 3 मार्कर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है. तो इन दिस वे वी हैव टू स्टडी द मेजर सैटेलाइट्स एंड वी विल स्टडी द मेजर सैटेलाइट्स, राइट, और वह सैटेलाइट किस लॉन्च व्हीकल के द्वारा लॉन्च किया गया है, फ्रॉम वेयर द सैटेलाइट वॉज लॉन्च्ड एंड उसका ऑब्जेक्ट क्या है. ये तीनों चीजें अगर हमको क्लियर हो जाएंगी तो कोई भी 3 मार्कर क्वेश्चन हो we would be able to write a beautiful answer, right? So let's study major satellites of India. The first is Aryabhatta, jisko kab launch kiya gaya hai, 1975, right? To dekhi Aryabhatta kya hai. Aryabhatta is the India's first satellite. So the first satellite which was designed and developed by Indian scientist, right, wo Aryabhatta tha. But in 1975, we did not have launch vehicles. Therefore, it was launched, right? It was launched by USS or launch vehicle, or isko Union Soviet, Soviet Union ke Baikonur jo space center hai, wahan se launch kiya gaya hai. Iska object kya tha? Experiment tha. Clear? To Aryabhatta, right? Aryabhatta is the satellite which was designed and developed by Indian scientist, and this Aryabhatta was launched in 1975 from the Soviet Union's Baikonur Space Center, and the objective of Aryabhatta satellite was air science experiment, solar physical experiment and X-ray astronomy experiment. Clear? Second ho jayega yahan par Rohini RS ho jayega, jisko 1980 mein kya kiya gaya tha, launch kiya gaya tha. Normally इंडिया में लॉन्च व्हीकल को डेवलप करने के लिए साउंडिंग रॉकेट को क्या किया जा रहा था, साउंडिंग रॉकेट को डेवलप किया जा रहा था. तो साउंडिंग रॉकेट जो प्रोग्राम था, राइट, साउंडिंग रॉकेट जो प्रोग्राम था उसके तहत रोहिणी सीरीज को क्या किया गया था, लॉन्च किया गया था, राइट. तो रोहिणी RS-1, राइट, तो रोहिणी RS-1 सैटेलाइट वॉज रोहिणी RS-1 सैटेलाइट launched in 1980 from Sriharikota through Indian Launch Vehicle SLV-3. और ये क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जैसे हमने रोहिणी RS-1 को SLV-3 से भेजा तो इंडिया बिकेम द 6th मेंबर ऑफ द वर्ल्ड विच हैड, जिनके पास में अपना खुद का इंडिजीनियसली क्या था, लॉन्च व्हीकल था. क्लियर? तो सेकेंड हो जाएगा यहाँ पर रोहिणी RS-1. तो रोहिणी RS-1 वॉज लॉन्च्ड इन 1980, राइट, फ्रॉम श्रीहरिकोटा, सतीश धवन, राइट, STSC सेंटर, राइट, बाय इंडियन लॉन्च व्हीकल, इंडियन सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल SLV-3. एंड द ऑब्जेक्टिव ऑफ रोहिणी RS-1 वॉज टू टेस्ट इंडियाज इंडिजीनियसली डेवलप्ड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल SLV-3. एंड विद द सक्सेसफुल लॉन्च ऑफ रोहिणी RS-1, इंडिया बिकेम द 6th मेंबर ऑफ द वर्ल्ड, राइट, विच हैज द इंडिजीनियसली डेवलप्ड लॉन्च व्हीकल. थर्ड क्या हो जाएगा यहाँ पर, एप्पल हो जाएगा. अब देखिए, एप्पल इंडिया का पहला कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के लिए क्या था, सैटेलाइट था. तो एप्पल इज द फर्स्ट कम्युनिकेशन सैटेलाइट ऑफ इंडिया, जिसको 1981 में क्या किया गया था, लॉन्च किया गया था. अब देखिए, इंडिया हैड SLV-3, बट SLV कोड लॉन्च 40 kg सैटेलाइट एट द हाइट ऑफ अप्रोक्सीमेटली 500 किलोमीटर, राइट. ये तो मैंने मैक्सिमम बता दिया है, ये 150 किलोमीटर की हाइट तक इसको क्या कर सकता था, जो है लॉन्च कर सकता था,
बट जो कम्युनिकेशन सैटेलाइट होते हैं उनको मीडियम अर्थ ऑर्बिट में लॉन्च किया जाता है। इसीलिए एप्पल को फ्रेंच गुयाना से क्या किया गया था, लॉन्च किया गया था। क्लियर। तो यहाँ पर थ्री मार्कर में अगर हम पूछा जाए तो हम आंसर लिख सकते हैं एप्पल इज द फर्स्ट कम्युनिकेशन सैटेलाइट ऑफ इंडिया विच वॉज लॉन्च्ड इन 1981, राइट। एंड कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स आर लॉन्च्ड इन मीडियम अर्थ ऑर्बिट, देयरफॉर SLV did not have that capability, therefore this Apple communication satellite was launched from French Guiana by European Space Agency's Ariane 4 launch vehicle, right? And the technical experience gained from the Apple played a vital role in the creation of development of InSat series. तो जो एप्पल से जो भी हमने टेक्निकल एक्सपीरियंस को गेन किया है उसी से हमने इनसेट सीरीज के जो सैटेलाइट है उनको डेवलप किया है। देन क्या हो जाएगा यहां पर, एडुसेट हो जाएगा। क्लियर, राइट। अब देखिए जो एडुटेट सैटेलाइट है, एडुसेट सैटेलाइट को 20 सितंबर 2004 को क्या किया गया था, लॉन्च किया गया था, राइट। अब मैं आपको यहां पर बता दूं कि देखिए इंडिया में जो लॉन्च पैड है वो कहाँ पर है, सतीश धवन स्पेस सेंटर। तो जो सतीश धवन स्पेस सेंटर है कहाँ पर, श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में। तो इंडिया के जितने भी सैटेलाइट हैं वो SDSC सेंटर, सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा से लॉन्च किए जाते हैं। तो नॉर्मली अब आपको केवल इतना ध्यान रखना कि किस लॉन्च व्हीकल के द्वारा लॉन्च किया गया है। क्लियर। चलिए तो यहाँ पर हो जाएगा एडुसेट। तो एडुसेट जो सैटेलाइट है, एडुसेट सैटेलाइट वाज लॉन्च्ड ऑन 20 सितंबर 2004 बाय GSLV-F10 फ्रॉम सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश। एंड इट इज द फर्स्ट इंडिजीनियसली बिल्ट एजुकेशनल सैटेलाइट टू रिवोल्यूशनाइज द फील्ड ऑफ डिस्टेंस एजुकेशन। तो जो एजुसेट है उसको डिस्टेंस एजुकेशन के लिए क्या किया गया था, लॉन्च किया गया था। तो एजुसेट को 20 सितंबर 2004 को लॉन्च किया गया है, SDSC श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया है GSLV-F10 के द्वारा, और यह इंडिया का फर्स्ट इंडिजीनियसली बिल्ट क्या है, एजुकेशनल सैटेलाइट है जिससे मास जो है डिस्टेंस एजुकेशन है उसको रिवोल्यूशनाइज किया जाएगा। क्लियर। फिर हो जाएगा कार्टोसैट फर्स्ट। तो कार्टोसैट फर्स्ट को 5 मई 2005 को क्या किया गया था, लॉन्च किया गया था। तो कार्टोसैट फर्स्ट को 5 मई 2005 को लॉन्च किया गया था बाय PSLV-6 के द्वारा, कहां से, SDSC सेंटर हरिकोटा से, और यह इंडिया का क्या है, फर्स्ट मैपिंग सैटेलाइट है। तो एप्पल इज द फर्स्ट, आर्यभट्टा इज द फर्स्ट सैटेलाइट ऑफ इंडिया, राइट। देन एप्पल इज द फर्स्ट कम्युनिकेशन सैटेलाइट ऑफ इंडिया, कार्टोसैट इज द फर्स्ट मैपिंग सैटेलाइट ऑफ इंडिया विच वॉज लॉन्च ऑन 5 मई 2005। उसके बाद में क्या हो जाएगा, चंद्रयान हो जाएगा, और चंद्रयान एक ऐसा मिशन था जिससे इसरो को वर्ल्ड लेवल पर क्या है, रेपुटेशन जो है गेन हुई है। तो चंद्रयान फर्स्ट, राइट, चंद्रयान फर्स्ट को लॉन्च किया गया था 22 अक्टूबर 2008 को, एंड चंद्रयान वॉज लॉन्च्ड बाय PSLV-C11। सी का मतलब क्या होता है यहाँ पर, कमर्शियल, राइट। नॉर्मली आप देखते हैं कि जैसे GSLV है या PSLV है उसके बाद में या तो D2 लिखा होगा या C17 लिखा होगा। तो D का मतलब क्या होता है, डेमोन्स्ट्रेशन। तो जब भी टेक्नोलॉजी को डेवलप किया जाता है और उसको एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं तो उसके सामने लिखा जाता है डेमोन्स्ट्रेशन, मतलब उस टेक्नोलॉजी को टेस्ट करने के लिए सैटेलाइट को लॉन्च किया जाता है। और सी का मतलब क्या होता है, कमर्शियली, मतलब वह टेक्नोलॉजी जो है इवॉल्व हो चुकी है, डेवलप हो चुकी है और उससे कमर्शियली जो सैटेलाइट है अब उनको लॉन्च किया जा रहा है। क्लियर। तो चंद्रयान फर्स्ट को 22 अक्टूबर 2008 को PSLV की जो कमर्शियली 11th फ्लाइट थी उससे लॉन्च किया गया था SDSC हरिकोटा से, एंड यह इंडिया का फर्स्ट अनमैंड क्या है, लूनर मिशन है। मतलब इसमें कोई साइंटिस्ट को स्पेस में नहीं भेजा गया था और ये लूनर मिशन है। तो चंद्रयान फर्स्ट इज द फर्स्ट अनमैंड लूनर मिशन टू बी सेंट टू द मून। देन हो जाएगा यहाँ पर नाविक, और उसका क्या हो जाएगा, IRNSSA। अब देखिए
इंडिया अपना रीजनल नेविगेशन सिस्टम को क्या कर रहा है, डेवलप कर रहा है। नाउडेज हमें इंडिया में जो नेविगेशनल जो नेविगेशन फैसिलिटीज़ हैं या जो रियल टाइम राइट रियल टाइम जो पोजिशनिंग फैसिलिटीज़ हैं वो अभी अमेरिका के जीपीएस के द्वारा क्या हैं प्रोवाइड कराई जा रही है। बट जो ड्यूरिंग द कारगिल वार था, तो कारगिल वार 1999 में यूएसए डिड नॉट गिव द जीपीएस एक्सेस टू इंडिया, देयरफॉर इंडिया ने अपना इंडिजीनियसली नेविगेशन सिस्टम या जीपीएस सिस्टम जो है डेवलप करने की जो है प्रोग्राम लॉन्च किया था। और उसी के तहत आईआरएनएस फर्स्ट ए को क्या किया गया था, लॉन्च किया गया था। तो नाविक जो है इंडिया का जो नेविगेशन सिस्टम है जिसको नाविक नाम दिया गया है, तो नाविक या इंडियन रीजनल नेविगेशन सिस्टम के लिए नाविक के जो आईआरएनएस फर्स्ट ए सैटेलाइट है उसको फर्स्ट जुलाई 2017 को लॉन्च किया गया था PSLV C-22 से सतीश धवन स्पेस सेंटर हरिकोटा से राइट। और इसमें स्पेस जो है स्पेशलिटी क्या है कि दिस IRNSS-A इज इंडियाज रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम राइट। तो इसका जो सैटेलाइट है, इस सैटेलाइट के द्वारा इंडिया का जो रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम है उसको क्या किया जाएगा, डेवलप किया जाएगा, विच विल स्टार्ट वर्किंग ऑन द लाइंस ऑफ जीपीएस ऑफ अमेरिका फ्रॉम द 2020। बट ये अभी भी इंडिया में लॉन्च नहीं हुआ है और यह 500 जो किलोमीटर का जो एरिया है राइट, उसके लिए 7 सैटेलाइट्स को क्या किया जाएगा, लॉन्च किया जाएगा, जो कि रीजनल नेविगेशन सिस्टम को डेवलप करेगा। उसके बाद में हो जाएगा GSLV-D5 जिसको 2014 में क्या किया गया था, लॉन्च किया गया था। अब आपको यहां पर दिख रहा होगा GSLV राइट। तो GSLV-D5 का मतलब क्या हो जाएगा, ये डेमोन्स्ट्रेशन है। तो GSLV-D5 को 2014 में लॉन्च किया गया था SDSC हरिकोटा से, और किसके द्वारा, GSLV के द्वारा राइट। अगर मैं आपको बताऊं तो इंडिया में 2001 में ही क्रायोजेनिक इंजन था, मतलब GSLV वाज डेवलप्ड इन GSLV Mark 1। तो GSLV Mark 1 वाज डेवलप्ड इन इंडिया 2001, बट GSLV Mark 1 में रशियन क्रायोजेनिक इंजन था राइट। और 2014 में GSLV D5 राइट, तो GSLV D5 को जब 2014 में लॉन्च किया गया था राइट, और उससे GSAT-14 को क्या किया गया था, लॉन्च किया गया था। एंड बिकॉज ऑफ दिस इंडिया, ये जो GSLV-D5 था इसमें इंडिजीनियस क्रायोजेनिक इंजन था। तो GSLV-D5 को 2014 में जब लॉन्च किया गया तो उससे एक तो GSAT-14 को भी क्या किया गया था, लॉन्च किया गया था। ऑल्सो इस GSLV राइट, जो जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है उसमें इंडिजीनियसली डेवलप्ड क्रायोजेनिक इंजन था। नेक्स्ट क्या हो जाएगा, मार्स ऑर्बिटर मिशन या MOM हो जाएगा। और ये इंडिया का क्या है, सबसे पॉपुलर क्या है, स्पेस मिशन है। क्यों, क्योंकि जितने में हॉलीवुड में, जितने बजट में हॉलीवुड में मूवीज बनती हैं उतने बजट में इसरो ने राइट फर्स्ट प्लेस में ही, या फर्स्ट जो हम कह सकते हैं कि पहली बार में ही जो है फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्या कर दिया था, मार्स मिशन को सक्सेसफुली लॉन्च कर दिया गया था। क्लियर, तो इसकी डेट याद रखें, MOM या मार्स ऑर्बिटर मिशन। तो मार्स ऑर्बिटर मिशन MOM या मंगलयान को 5 नवंबर 2013 को क्या किया गया था, लॉन्च किया गया था। तो MOM को 5 नवंबर 2013 को लॉन्च किया गया था PSLV C-25 के द्वारा। ध्यान रखना PSLV C-11 से चंद्रयान फर्स्ट को, और PSLV C-25 से मार्स ऑर्बिटर मिशन को 5 नवंबर 2013 को जो है लॉन्च किया गया था। और ये इंडिया का क्या है, मार्स मिशन है राइट, जो कि मार्स पर जो है मार्स की ऑर्बिट में कब प्लेस हो गया था, 24 सितंबर 2014 को। तो इंडिया मार्स मिशन विद द इंस्टॉलेशन ऑफ सैटेलाइट ऑन द मार्स ऑन 24 सितंबर 2014, एंड विद द लॉन्च ऑफ दिस इंडिया हैज बिकम द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड
टू बी सक्सेसफुल इन द फर्स्ट अटेम्प्ट। तो इंडिया पहली कंट्री है जो फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्या है, सक्सेसफुल हो चुकी है। एंड दिस सैटेलाइट विल स्टडी द पॉसिबिलिटीज ऑफ लाइफ ऑन द मार्स। नेक्स्ट क्या हो जाएगा, चंद्रयान सेकेंड हो जाएगा। तो चंद्रयान सेकेंड को 22 जुलाई 2019 को लॉन्च किया गया था। चंद्रयान सेकेंड को 22 जुलाई 2019 को GSLV मार्क 3 के द्वारा लॉन्च किया गया था फ्रॉम STSC हरिकोटा से। और इन दिस मिशन इंडिया हैज लॉन्च्ड एन ऑर्बिटर विक्रम लैंडर एंड प्रज्ञान क्या हो जाएगा, रोवर हो जाएगा। तो इस मिशन में ऑर्बिटर था, विक्रम लैंडर था और प्रज्ञान क्या था, रोवर था। द ऑर्बिटर हैज बीन सक्सेसफुली एस्टेब्लिश्ड ऑन द मून्स ऑर्बिट फॉर 7 ईयर। तो जो ऑर्बिटर है वो सक्सेसफुली लॉन्च हो चुका है और सक्सेसफुली मून की जो ऑर्बिट है उसमें प्लेस भी हो चुका है और ये अपकमिंग 7 ईयर के लिए जो है इंडिया को सर्विसेज प्रोवाइड करेगा। बट द लैंडर विक्रम लैंडेड ऑन द साउथ पोल ऑफ द मून एट 1:33 AM, राइट, इंडियन टाइम ऑन September 7, 2019। और जो विक्रम लैंडर था उसने 2 किलोमीटर अगो जो है इसने अपने कनेक्शन क्या कर दिया, खो दिया था, राइट, एंड इट इज नॉट वर्किंग ड्यू टू हिटिंग द मून एट द हाई स्पीड। तो इस तरीके से विक्रम लैंडर भी जो है वर्किंग कंडीशन में नहीं है और उसके अंदर था प्रज्ञान रोवर, ये दोनों क्या है, वर्किंग में नहीं है। तो इस तरीके से चंद्रयान सेकंड जिसको 22 जुलाई 2019 को लॉन्च किया गया था ये पार्शियली सक्सेसफुल है। क्यों? क्योंकि चंद्रयान सेकंड से जो ऑर्बिटर है उसको मून की ऑर्बिट में सक्सेसफुली लॉन्च कर दिया गया है। बट जो विक्रम लैंडर था वो 2.1 किलोमीटर जो सरफेस ऑफ द मून थी उसके पहले ही वो मून से हिट कर गया था और इस वजह से वो डिस्ट्रॉय हो गया था। क्लियर। नेक्स्ट हो जाएगा यहाँ पर जो सबसे लेटेस्ट है वो है अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट। ई का मतलब हो जाएगा अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट। तो अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट 6 को 26 नवंबर 2020 को क्या किया गया था, लॉन्च किया गया था। तो जब तक मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ तब तक ये क्या है, लेटेस्ट है, राइट। तो अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट 6 को 22 नवंबर 2020 को लॉन्च किया गया था। किससे? PSLV-54 से, फ्रॉम SDSC हरिकोटा से। क्लियर। उसके बाद में अगर हम देखें तो जो इसरो के फ्यूचर मिशन है जो अभी तक लॉन्च नहीं हुए हैं उनके बारे में, राइट। सो लेट्स स्टडी द फ्यूचर मिशंस ऑफ इसरो, जिसमें पहला क्या हो जाएगा, आदित्य L1 हो जाएगा, राइट। तो आदित्य L1 इज द फ्यूचर, राइट, आदित्य L1 इज द फ्यूचर मिशन ऑफ इसरो, जिसको अब 2023 में क्या किया जाएगा, लॉन्च किया जाएगा। इसको PSLV-XL के द्वारा लॉन्च किया जाएगा SDSC हरिकोटा से, राइट। एंड दिस इज द फर्स्ट इंडियन एक्सपीडिशन टू बी सेंट टू द स्टडी कोरोना, राइट, द आउटर लेयर ऑफ द सन। तो आदित्य L1 जो है इंडिया का फर्स्ट एक्सपीडिशन होगा जिससे कोरोना की स्टडी की जाएगी और ये इंडिया का पहला क्या है, सैटेलाइट होगा। और इसको लैग्रेंजियन पॉइंट L1 पर क्या किया जाएगा, लॉन्च किया जाएगा। फिर होगा चंद्रयान 3rd जिसको 2023 में लॉन्च किया जाएगा। अभी मैंने बताया था कि चंद्रयान 2nd को जब 22 जुलाई 2019 को लॉन्च किया गया था तो उसमें ऑर्बिटर तो सक्सेसफुली ऑर्बिट में प्लेस हो चुका है, बस विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर जो है वो विक्रम लैंडर जो है वो हिट कर गया था, इस वजह से दिस इज आउट ऑफ सर्विस। देयरफॉर चंद्रयान सेकेंड को 2023 में लॉन्च किया जाएगा SDSC हरिकोटा से, GSLV Mark 3 से इसको लॉन्च किया जाएगा। एंड इन दिस मिशन अ लैंडर एंड रोवर को क्या किया जाएगा, सेंड किया जाएगा। तो इन दिस मिशन लैंडर एंड रोवर विल बी सेंड टू द मून। अलॉन्ग विद दिस एफर्ट्स विद आल्सो बी मेड टू एस्टेब्लिश कॉन्टेक्ट विद चंद्रयान सेकेंड्स लैंडर विक्रम। तो इससे लैंडर और रोवर को भेजा जाएगा, साथ ही साथ चंद्रयान सेकेंड का जो विक्रम और जो रोवर है उससे भी कॉन्टेक्ट किया जाएगा, राइट। एंड दिस वॉज अनाउंस्ड बाय इसरो चेयरमैन K. Sivan ऑन 1 जनवरी 2020। क्लियर। नेक्स्ट एंड विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, दैट इज गगनयान 2023, राइट।
इंडिया के अब तक के जितने भी स्पेस मिशंस हैं वो अनमैन्ड हैं, मतलब किसी भी साइंटिस्ट को स्पेस में नहीं जो है लॉन्च किया गया है। तो गगनयान इंडिया का फर्स्ट क्या होगा, मैन्ड स्पेस मिशन होगा, जिसमें साइंटिस्ट को स्पेस की स्टडी के लिए क्या किया जाएगा, लॉन्च किया जाएगा। तो गगनयान इज द इंडिया फर्स्ट मैन्ड स्पेस मिशन विच वुड बी लॉन्च इन 2023। इसको 2022 में लॉन्च करना था, बट बिकॉज ऑफ द कोरोना पेंडेमिक ये प्रोग्राम जो है वो लेट हो चुका है। दिस वुड बी लॉन्च्ड फ्रॉम द SDSC हरिकोटा और इसको GSLV मार्क 3 से लॉन्च किया जाएगा। गगनयान इज द इंडियाज फर्स्ट मैन्ड स्पेस मिशन जिसमें 5 राइट व्योम मित्रास को, इंडिया में एस्ट्रोनॉट्स को क्या कहा जाएगा, व्योम मित्रा कहा जाएगा, तो इंडिया में व्योम नॉट्स को, तो फॉर दिस 5 एस्ट्रोनॉट्स हैव बीन सेंट टू रसिया इन जनवरी 2020 फॉर ट्रेनिंग। तो उनकी ट्रेनिंग जो है वो अभी चल रही है। एंड इंडियन एस्ट्रोनॉट्स को न्यू नेम दिया गया है व्योम नॉट्स, राइट। सो इंडियन एस्ट्रोनॉट्स वर गिवन द नेम ऑफ व्योम नॉट्स इन द प्लेस ऑफ एस्ट्रोनॉट्स, क्योंकि व्योम का मतलब ही होता है स्काई। तो इस तरीके से जो गगनयान है वो 2023 में लॉन्च किया जाएगा और उसमें 5 व्योम नॉट्स को जो है स्पेस स्टडी के लिए जो है भेजा जाएगा। नाउ वी विल स्टडी नेविगेशन सिस्टम या GPS सिस्टम। GPS सिस्टम क्या होता है? तो GPS या नेविगेशन सिस्टम एक ऐसा सिस्टम होता है जिसमें रियल टाइम पोजिशनिंग, क्या है पॉसिबिलिटी, रियल टाइम पोजिशनिंग का मतलब क्या है कि देखिए नॉर्मली इंडिया में इंदौर में कोई बिल्डिंग यहाँ पर है, या जैसे मैंने मान लिया कि ये कार यहाँ पर है, तो आप किसी भी जो रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट है उससे इस कार की लोकेशन को तो आप क्या कर सकते हैं, इंडियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट से ये कार कहाँ पर पार्क है ये आप डाटा जो है एक्वायर कर सकते हैं। बट अगर ये कार जो है टाइम के साथ में मूव हो रही है तो उसके लिए फिर हमारे पास में नेविगेशन सैटेलाइट्स होने चाहिए, मतलब जो रियल टाइम पोजिशनिंग को क्या कर सकें, बता सकें। रियल टाइम पोजिशनिंग में नॉर्मली 3 सैटेलाइट्स का क्या किया जाता है, यूज़ किया जाता है, जो कि उसकी रियल टाइम जो सिग्नल्स होते हैं सिग्नल को ट्रेस करके रियल टाइम पोजिशनिंग, मतलब अगर ये कार मूव हो रही है तो इसकी जो लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है वो भी इससे जो है पता चल सकती है। या मैं सीधी मात्रा में कहूँ कि जो GPS सिस्टम है जो आपके मोबाइल में है, जिससे आप पूरा का पूरा मैप भी देख लेते हैं, जहाँ जहाँ पर आप जाते हैं वहाँ वहाँ पर आपकी जो लोकेशन रियल टाइम में आपको पता चल जाती है, तो उसको ही हम क्या कहते हैं, नेविगेशन सिस्टम। क्यों कहते हैं, क्योंकि नॉर्मली इस सिस्टम का यूज़ प्रीवियस में है, अगर हम देखें तो इस सिस्टम का यूज़ जो है नेविगेशन के लिए किया जाता है, चाहे वो ओशियन में शिप का नेविगेशन हो या एरोप्लेन का क्या हो, नेविगेशन हो, क्लियर। तो ये हो गया, हमने यहाँ पर समझ लिया नेविगेशन सिस्टम, राइट। तो नेविगेशन सिस्टम क्या है, अगर इसको आपको एग्जाम में 3 मार्कर में लिखना हो तो हम सीधा लिख सकते हैं कि नेविगेशन सिस्टम इज अ सच सिस्टम ऑफ सैटेलाइट विच प्रोवाइड्स रियल टाइम पोजिशनिंग ऑफ अ पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट, देयरफॉर दिस इज यूज्ड इन द नेविगेशन ऑफ शिप्स एज वेल एज एरोप्लेन्स, देयरफॉर दिस सिस्टम इज नोन एज नेविगेशन सिस्टम। और इसमें सैटेलाइट का क्या किया जाता है, यूज़ किया जाता है, तो नेविगेशन सिस्टम इज सैटेलाइट बेस्ड होता है और इसमें रियल टाइम पोजिशनिंग जो है इंफॉर्मेशन है वो प्राप्त हो सकती है। तो रियल टाइम पोजिशनिंग इंफॉर्मेशन ऑफ द यूजर एंड ऑब्जेक्ट इज ऑब्टेंड थ्रू द नेविगेशन सिस्टम। अब वर्ल्ड में जितने भी नेविगेशन सिस्टम हैं उनको हम मेनली 2 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, राइट। फर्स्ट इज ग्लोबल नेविगेशन, क्या हो जाएगा, सैटेलाइट सिस्टम हो जाएगा। तो ग्लोबल का मतलब क्या है कि ये पूरे वर्ल्ड को कवर करता है। तो ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम कवर्स द एरिया ऑफ होल वर्ल्ड एंड द सैटेलाइट्स ऑफ दिस सिस्टम आर प्लेस्ड इन द मीडियम अर्थ ऑर्बिट। एग्जांपल्स कौन कौन से हैं, GPS है, तो ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, ये ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम है जो कि USA का है, देन ग्लोनास है ये रसिया का है, बाइडू है ये चाइना का है, और गैलीलियो ये किसका है, यूरोपियन एजेंसी का है। फिर उसके बाद में हो जाएगा रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम। अब देखिए अगर हमको ग्लोबल नेविगेशन सिस्टम डेवलप करना है तो वी मस्ट हैव अप्रोक्सीमेटली 30
टू 50 सैटेलाइट्स, तो अप्रोक्सीमेटली 30 टू 50 सैटेलाइट का जो कॉन्स्टिलेशन है वो डेवलप किया जाता है, और फिर उतनी कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि हम इन 30 टू 50 सैटेलाइट को जो है लॉन्च कर सकें। बट यदि हम 30 टू 50 सैटेलाइट को लॉन्च नहीं कर सकते तो हम 10 टू 15 सैटेलाइट को तो लॉन्च जरूर कर सकते हैं, और इतने जो सैटेलाइट हैं इनसे किसी भी एक पर्टिकुलर प्लेस में जो है नेविगेशन फैसिलिटी अवेलेबल हो सकती है, राइट। और उस अगर वो किसी रीजनल या पर्टिकुलर रीजन में ही नेविगेशन फैसिलिटीज़ को अवेलेबल करा रहा है तो उसको ही रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम कहते हैं। तो रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम प्रोवाइड्स इट्स सर्विसेज ऑन अ सर्टेन टेरेन विदाउट कवरिंग द होल्ड वर्ल्ड, तो दिस प्रोवाइड्स नेविगेशन फैसिलिटीज इन अ पर्टिकुलर रीजन ऑफ द वर्ल्ड, राइट। और देयर आर टू टाइप्स ऑफ रीजनल शिपिंग सिस्टम्स इन इंडिया, और इंडिया में जो दो तरीके के क्या है नेविगेशन सिस्टम है। सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ रीजनल नेविगेशन सिस्टम्स इन इंडिया। फर्स्ट क्या हो जाएगा यहाँ पर, गगन, तो जो गगन एक रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम है ये भी इंडिया का है। फिर दूसरा हो जाएगा IRNSS जिसको नाविक भी कहा जाता है, ये भी इंडिया का है, और इसके अलावा भी एक हो जाएगा QZSS, ये किसका है, जापान का है, राइट। सो इन दिस वे वी हैव स्टडीड द सैटेलाइट सिस्टम्स ऑफ इंडिया। इन द अपकमिंग लेक्चर वी विल स्टडी हिस्ट्री ऑफ रिमोट सेंसिंग एंड रिमोट सेंसिंग इन इंडिया। We will meet in the upcoming lecture. Till then, thank you.